तो चलिए गाइस, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ब्लैक विडो के फाइनल ट्रेलर का। लेकिन सबसे पहले आप कीजिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। गाइस, आप सबको पता होगा कि परसों ब्लैक विडो का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, तो आज हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि इसमें स्पॉइलर हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. तो जैसा कि आपने देखा, ट्रेलर की स्टार्टिंग में एक नेचुरल लोकेशन दिखाता है जहाँ पे एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, और उसके नेक्स्ट सीन में इसी आइलैंड या फिर नेचुरल लोकेशन पे एक कंटेनर हाउस में कोई दिल टूटा हुआ आशिक दुनिया से दूर रहने के चक्कर में यहाँ रहने आ गया है। अबे शायद कोरोना वायरस से बचने के लिए रहने आ गया हो। यार जो भी है, लेकिन इसके बाद इस कंटेनर हाउस के अंदर हमारी नताशा गन लेके किसी को ढूंढ रही है। शायद वो अपनी बहन को मिलने आई होगी। अबे कैसे हो सकता है, फर्स्ट ट्रेलर में तो उसकी बहन उसको इस घर में मिली थी ना। तो फिर उसकी फैमिली के किसी और मेंबर को ढूंढने आई होगी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्फिनिटी वॉर की थैनोस की चपटी के बाद नताशा खुद यहाँ रहने आ गई हो, और जब घर वापस आई तो घर के बाहर खड़ी कार को देखकर उसे लगा कि घर के अंदर को घुसाया है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए गन लेके इधर उधर घूम रही है। इसका नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि नताशा किसी भाड़े के सिपाही को ऐसे पीट रही है। अबे तुझे कैसे पता वो नताशा है? ये लेना भी तो हो सकती है। अबे खजू, तूने फर्स्ट ट्रेलर नहीं देखा क्या? ऐसे फुट ओवर ब्रिज पे व्हाइट कपड़ों में हेलीकॉप्टर से जंप मार के नताशा ही तो लैंड करती है। इसके बाद वाले सीन में नताशा किसी ऐसे लोकेशन पे खड़ी है जहाँ पहले से तबाही मची हुई होती है। उतना कम था इसलिए थोड़े सैनिक भी नताशा को पकड़ने के लिए या फिर किसी और को मारने के लिए यहाँ आ जाते हैं। अब यूनिफॉर्म तो ये गवर्नमेंट के सिपाही लगते हैं, लेकिन किस कंट्री के है वो कहना जरा मुश्किल है। और ये पूरे वीडियो के बैकग्राउंड में जो वॉइस है वो होता है एलेना का, जो अपनी बहन नताशा से किसी रेस्टोरेंट में बियर पीते पीते बात कर रही है। मैं यहाँ पे लोगों को ये कहती हूँ कि तू अमेरिका शिफ्ट हो गई है और तू बच्चों को विज्ञान पढ़ाती है और तेरा पति लोगों के घर ठीक करता है। तू यहाँ वापस शिफ्ट होने का सोच रही है, लेकिन तू नल्ली है, तेरी जेब खाली हो चुकी है और तू लोन के इंटरेस्ट का रेट कम होने की वेट कर रही है। साले कितना फेंकती है तू। अब इन फालतू की बातों के बारे में मैं घंटा भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अब देखते हैं आगे का सीन। Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. यहाँ पे मार्वल के लोगों का ऑफिशियल इंट्रो आता है और मार्वल स्टूडियोज ब्लैक विडो के आइकॉनिक लोगो में दिखता है, जो आपको कॉमिक में भी दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में नताशा किसी की पतली गली में से पास होकर किसी के घर में घुसती है, जो आपने ट्रेलर 1 में देखा था। यह इसकी बहन का घर है जहाँ से वो अपनी बहन यलेना को इस मूवी में फर्स्ट टाइम मिलती है। उसके बाद वाले सीन में नताशा बिचारी किटी पार्टी के लिए शांति से जा रही है और पीछे से किसी ने गोली मार के उसकी गाड़ी का भंग कर दिया, और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मूवी के मेन विलन की। कैप्टन अमेरिका। अबे चुप, कैप्टन अमेरिका नहीं है रे, पूरा इंट्रो खराब कर दिया रे। चलिए फिर से करते हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मूवी के मेन विलन की, टास्क मास्टर। तो जिनको टास्क मास्टर के बारे में नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं। कॉमिक में टास्क मास्टर का नाम था टोनी मास्टर। उसके पास जन्म से ही ऐसी ताकत थी कि वो किसी के भी मूव्स देख देख कर सीख लेता था, इसलिए उसका नाम टास्क मास्टर हो गया। उसने बचपन में एक काउबॉय के स्टंट टीवी में देख के सीख लिए थे, ड्राइविंग देख के ड्राइविंग भी सीख ली थी और स्विमिंग देख के स्विमिंग भी सीख ली थी। कॉमिक के हिसाब से उसके पास स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो सबकी पावर्स थी, क्योंकि वो देख देख के सबकी मेथड सीख गया था। तो क्या पता इस सीन से पहले उसकी मुलाकात कैप्टन अमेरिका से हो गई होगी और उसको देख के वो शील्ड चलाना सीख गया, या फिर सैम विल्सन से, या फिर रेड गार्डियन से। खैर जो भी हो, कॉमिक की उसकी स्टोरी देखे तो स्टार्टिंग में उसने शील्ड ज्वाइन कर लिया। शील्ड में उसको किसी साइंटिस्ट ने सुपर ह्यूमन सीरम का जर्मन वर्जन दिया। उसको तो ये सीरम संभालने के लिए दिया था, लेकिन उस कमीने ने अपने ही ऊपर उसके एक्सपेरिमेंट कर दिए। उसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस के पावर तो बचपन से ही थे, जो कि बहुत बढ़ गए, लेकिन उसके दिमाग पे ये असर हुआ कि उसकी सारी याददाश्त मिट गई। वो अपनी फैमिली को भी भूल गया और वो सनकी पागल हो गया। उसने रशिया में जाके अपना खुद का अड्डा खोला, जिसका नाम दिया टास्क मास्टर्स एकेडमी, जहां वो उसके ही जैसे सनकियों को ट्रेन करता था। अब कॉमिक से 100% स्टोरी तो मूवीज में नहीं लेते, लेकिन उसका फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस वाला पावर तो 110% मूवी में होगा ही होगा, क्योंकि वही तो उसका आइकॉनिक पावर था। ये वीडियो के बैकग्राउंड में नताशा बोलती है कि एवेंजर्स ज्वाइन करने से पहले उसने बहुत गलतियां की थी और दुश्मन भी बनाए थे, जो कि वो पहले भी बोल चुकी है। शील्ड में काम करने से पहले मैंने अपने लिए नाम कमा लिया था। मेरे पास कुछ खास तरह के हुनर है, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी कि मैंने किसके लिए या किस पर इस्तेमाल करती हूं। मेरे ऊपर जो दाग लगे हैं उन्हें मैं मिटाना चाहती हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। He's called Science Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated, fully conscious, but no choices. I should have come back for you.
अब यहाँ पे एक शॉकिंग सीन है। आयरन मैन 2 का वो सीन तो आप सबको याद ही होगा जहाँ पे हैप्पी और नताशा हैमर के अड्डे पे इवान वैनको को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको हैमर के भाड़े के सिपाहियों से सामना करना पड़ता है। जहाँ पे नताशा की ये फाइट कंट्रोल रूम में बैठे बैठे इवान वैन को देख रहा था और उसी रिकॉर्डिंग को ये कमीना टास्क मास्टर यहाँ पे देख रहा है। यहाँ पे आपको टास्क मास्टर के मास्क के ऊपर एक कैमरा दिखेगा, तो जैसे कॉमिक्स में उसकी पावर जन्म से ही थी, शायद मूवी में ना हो, वो लोगों के मूवीज कैमरा से रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में एनालाइज करके अपने आर्मर से ऑटोमेटिक करता होगा, जैसे आयरन मैन ने एक बार किया था। इसकी लड़ाई का तरीका समझो। यस बॉस। हमले के लिए तैयार। बजा दो बैंड इसका। अभी इसके अगले सीन में रेड रूम का सीन दिखाया है जिसमें कुछ सन की लड़कियां ट्रेन हो रही है। जिनको रेड रूम के बारे में नहीं पता उनको बता दूं, रेड रूम एकेडमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें रशिया का केजीबी खतरनाक लड़कियों को ट्रेन करके और भी खतरनाक बनाता था, और वहीं से हमारी ब्लैक विडो और कॉमिक के हिसाब से विंटर सोल्जर भी ट्रेन हुए थे। अब यहाँ पे येलेना ब्लैक विडो को ये बताती है कि ये पूरा रेड रूम जो है वो टास्क मास्टर हैंडल करता है। अबे तूने तो कहा ना कि ब्लैक विडो रेड रूम में ट्रेन हुई थी, तो उसको ये सब समझाने की क्या जरूरत। अबे खजूर ये भी तो हो सकता है ना कि ब्लैक विडो के वहाँ से निकलने के बाद टास्क मास्टर ने रेड रूम ज्वाइन किया हो, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रेड रूम की लड़कियों में से इतनी हुनहार लड़की ने भाग के एवेंजर्स ज्वाइन कर लिया, इसीलिए टास्क मास्टर की थोड़ी सी जल गई हो और इसीलिए वो यहाँ पे ब्लैक विडो पे नजर रख रहा है। अभी नेक्स्ट सीन में भी एक ऐसा कंक्लूजन निकलता है जिससे आपकी फटके हो जाएगी 74 की। यह सीन में येलेना किसी लेबोरेटरी में बेड पे सोएली है और उसके ऊपर शायद कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अब आप में से कितनों ने ये देखा और कितनों ने नहीं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने तो देखा। येलेना के सर पे ये लाइन आपको दिख रही है, हो सकता है शायद ये प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है इस मूवी में येलेना का फेस चेंज करके नताशा बना दी हो, जैसा कि एक बार कॉमिक में भी हुआ था। अबे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है जो एंड गेम में मरी हो वो नताशा नहीं येलेना थी, इसलिए तो शायद इन्फिनिटी वॉर में नताशा ने ये कपड़े पहने हैं जो येलेना ने पहने हैं। और याद कीजिए वो जमाना जब इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर आया था और सबने ये पूछा था कि नताशा के बाल सफेद कैसे हो गए, तो अब शायद हमको आंसर मिल गया है, ये नताशा नहीं येलेना है जिसके हेयर्स व्हाइट है। अभी आप सबको ये पता होगा कि नताशा की हेयर स्टाइल और मूवी की टाइमलाइन के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, तो आपने ये सोच लिया होगा कि ये स्टोरी इन्फिनिटी वॉर के आसपास की कहीं की है। लेकिन अब जब हमको पता है कि नताशा जिंदा भी हो सकती है, तो शायद ये स्टोरी एंड गेम के बाद की हो। अब जब नताशा यहाँ पे बोलती है मुझे तुम्हारे लिए वापस आना चाहिए था, तो क्या पता वॉर्मिर में खाई में गिरते वक्त नताशा ने पिम पार्टिकल का यूज किया, 1970s में पहुंच गई, एक्स्ट्रा पिम पार्टिकल्स ले लिए और वापस चली गई टाइम में थोड़े से पीछे अपने सीक्रेट मिशन पे, और अपना मिशन कंप्लीट करके नताशा या फिर नताशा की जगह प्लास्टिक सर्जरी की हुई येलेना उसी टाइम पे वापस आ गई जब नताशा खाई से गिर रही थी और नताशा की जगह येलेना खाई में गिर गई। इन शॉर्ट में यह कहना चाहता हूं कि मार्वल की फ्यूचर मूवीज में शायद नताशा का कोई फ्यूचर अभी बाकी है, नताशा अभी आनी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। How many others are there? Enough. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. इस सीन में हमने देखा नताशा येलेना को ये पूछती है कि और कितनी तुम्हारे जैसी ब्लैक विडोज है, और येलेना ने आंसर दिया तुम्हारी मारने के लिए काफी है। साला ये देख के मुझे विंटर सोल्जर का ये सीन याद आ गया। क्योंकि मैं अकेला विंटर सोल्जर नहीं हूँ। यहाँ पे दो रेड रूम की एजेंट्स दिखाई जाती है जिन्होंने वही ब्रेसलेट पहना है जो ब्लैक विडो का आइकॉनिक वेपन था और जो नताशा ने अपनी सारी मूवीज में पहले पहना था। मतलब ये बात तो तय हो गई कि नताशा की भी ट्रेनिंग इसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले हुई थी। अगले सीन में येलेना किसी घर में फंसी है और उस घर के बाहर आ जाता है हमारा भैया टास्क मास्टर। अबे ये क्या हमारी नताशा रो रही है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों की ट्रेनिंग सेम जगह पे हुई है और इन दोनों को पता है कि वहाँ पे लड़कियों पे कितना टॉर्चरिंग होता है उनको ट्रेन करने के लिए। अबे खतरनाक। नेक्स्ट सीन में हमारे एलेक्सी भैया जो कि है रेड गार्डियन एक जेल का मोटा लोहे का दरवाजा तोड़ के बाहर आते हैं, और इस ट्रेलर में थोड़ा पहले वो तबाही मचेली साइट पे जहाँ नताशा खड़ी थी वहीं पे खड़े खड़े नताशा को कहते हैं हम तुम्हारा साथ लड़ेंगे बिटुआ क्योंकि हम परिवार है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा कल या परसों, तो हमारी कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए अभी के अभी करिए सब्सक्राइब और दबाइए बेल आइकन। थैंक यू।